अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ आलू पालक की रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए मेरे पास ये 3 बंचेस ऑफ पालक है। ये मैंने इसको अच्छे से धो के 3 बार अच्छे से पानी में धोकर कट कर लिया है। इसके स्टेम्स कट करके हम इसको कट कर लेंगे और इसको धोकर ही कट करेंगे, इसका न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करने के लिए। और ये 1/2 कप ऑफ पीज़ है इसमें, ये मैंने फ्रोज़न पीज़ लिए हैं। और 1 कैरेट है जो मैंने इसी रफली चॉप कर लिया है इसमें। अगर आपको ये कैरेट और पीस पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने 2 पटेटोज़ हैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने ऐसे कट करके पानी में भिगा कर रख दिया है। फिर उसके लिए हमें चाहिए ये हींग, जस्ट अ पिंच ऑफ हींग हम इसमें डालेंगे। 6 क्लव्स ऑफ गार्लिक, ये 3 होल रेड चिलीज़ है, कश्मीरी रेड चिलीज़, इसको ऐसे पीसेस में तोड़ के मैंने रख लिया है। 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा है इसमें, ये 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ ये कोरिएंडर और क्यूमिन सीड्स को मैंने भून कर इसको रोस्ट करके इसको ऐसे पीस लिया है। फिर इसमें 1 टोमेटो है हमारे पास रफली चॉप्ड एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पालक आलू की सब्ज़ी। तो ये मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये ऑयल मेरा हीट हो गया है, मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट सबसे बेस्ट आता है। तो ये ऑयल हीट हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हींग, जस्ट अ पिंच ऑफ हींग। उसके बाद ये सारा गार्लिक हम इसमें डाल देंगे। इसी में हम ये ज़ीरा डाल देंगे। जैसे ही गार्लिक का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए हम इसमें ये होल्ड रेड चिलीज डालेंगे। एक मिनट के लिए इसको भूनने के बाद हम अपने सारे पटेटोज इसमें डाल देंगे और पटेटोज को हम 2 to 3 मिनट्स के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम पटेटोज को स्टर कर लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए 3 मिनट्स हो गए हैं हमारे पटेटोज को फ्राई होते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें हम अपने सारे पाउडर्ड मसाले डाल देंगे, इसका फ्लेम स्लो कर देंगे मसाले डालते वक्त। और इसी में ये हम टमेटोज ऐड कर देंगे। इसको एक अच्छे से मिक्स देकर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। इसको जस्ट ऐसे ही 2 मिनट्स के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे टमेटोज के साथ। इसको अब हम ढककर रख देंगे पटेटोज कुक होने के लिए लो फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए। तो देखिए 5 मिनट्स हो गए पटेटो कुक होते हुए। अब ये थोड़े से 50% तक हमारे पटेटोज गल गए हैं। अब हम इसमें ये पालक ऐड कर देंगे सारा। बाकी 50% जो हमारे पटेटोज ये पालक के पानी में पक जाएंगे, क्योंकि पालक में बहुत पानी छूटता है, तो बाकी पटेटोज उसमें कुक हो जाएंगे। तो देखिए सारा पालक ऐड करने के बाद हमें इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं है, इसको बिना डिस्टर्ब करें हमें ऐसे ही लिड ढककर इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट्स के लिए पकाने के लिए रख देना है। तो देखिए 2 मिनट्स में ये पालक में इसमें पानी छूट गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए 2 मिनट्स बाद इसका पानी कितनी अच्छी तरह से इसका पालक का छूट गया है सारा, और जो पालक हमारी सारी फूली फूली थी ये इतनी रिड्यूस हो गई है। अब इसको हमें फिर से ढककर हम 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको कुक करने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे पटेटोज भी सारे गल जाएं इसमें और हमारी पालक भी गल जाए। तो देखिए 4 to 5 मिनट्स में हमारे ये पटेटोज़ भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और पालक भी कुक हो गई है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। इसका पूरा पानी सूखा कर हमको उसको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए इसका पानी अच्छे से सूख चुका है, ये सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। अब ये हमारी पालक आलू की सब्ज़ी रेडी है। तो देखिए जब आप ये सब्ज़ी सर्व करें तो इसको 1 टीस्पून घी के साथ सर्व करें।
अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन घी से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है।